मैनेजिंग एक्सपेंसेस इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में एक्सपेंसेस मैनेज करने के बारे में जानेंगे। एक्सपेंसेस मैनेज करना यानी कि किस तरीके से जो डिफरेंट तरीके के आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आप ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस करते हैं उनको कैसे बिजी में एंटर कर पाएंगे, अनरजिस्टर्ड RCM परचेज, रजिस्टर्ड परचेज आपकी, इस तरह के एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और किस तरह से वाउचर एंटर करते टाइम आपको कौन सा उसका जो है टाइप सिलेक्ट करना है। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंस के अकाउंट है उनमें ITC एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, RCM क्या रहेगा कि RCM बेस्ड ऑन डेली लिमिट है, कंपल्सरी है, सर्विस इम्पोर्ट का केस है, तो इस तरीके के जितने भी एक्सपेंसेस पे डिफरेंट केसेस बन पाएंगे वो सारे पॉसिबल केसेस हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे। रजिस्टर्ड एक्सपेंस, अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस, कंपल्सरी एक्सपेंस, एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन डेली लिमिट डेट इज RCM के अंडर अगेन वो कवर होंगे, तो ये सारे एक्सपेंसेस के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में जानेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो अकाउंट क्रिएशन से करेंगे। इसके लिए हम मास्टर्स अकाउंट्स ऐड ऑप्शन में जाके न्यू अकाउंट पहले तो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑफिस स्टेशनरी के लिए एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट किया जिसका कि ग्रुप हमने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लिया। टैक्स कैटेगरी बताई GST 18%। आपके ऑफिस स्टेशनरी के अलग अलग टैक्सेबल रेट पे भी अकाउंट हो सकते हैं तो आप अलग अलग अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऑफिस स्टेशनरी एट 12%, ऑफिस स्टेशनरी एट 18%। ITC एलिजिबिलिटी, यहाँ पे हमने ITC एलिजिबिलिटी ली इनपुट गुड्स, क्योंकि इस पे हमें एज इनपुट गुड्स जो है हम ITC क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस है इनपुट सर्विसेज इन केस ऑफ सर्विसेज, कैपिटल गुड्स केस में आप ITC क्लेम कर सकते हैं या फिर नन। कुछ एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पे कि आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में भी अगेन देखिए 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डेली लिमिट, कि जो रिवर्स चार्ज है वो मिनिमम डेली लिमिट पे बेस करेगा। मिनिमम डेली लिमिट क्या है, वो अभी हमारी 5000 रुपीज की है, यानी कि एक दिन के जो टोटल कंसोलिडेटेड आपके एक्सपेंसेस हैं यदि वो 5000 को एक्सीड करते हैं तो ही उस दिन के लिए आप जो है लायबल है RCM पे करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपल्सरी रजिस्टर्ड डीलर। कुछ एक हमारी सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्टर्स और लॉयर्स, इनसे यदि आपने सर्विसेज ली हैं तो इन केस में यदि आपने रजिस्टर्ड डीलर से भी सर्विसेज ली हैं तो नेसेसरली आपको जो है RCM पे करना ही है, उसमें मिनिमम डेली लिमिट नहीं है। जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स रजिस्टर्ड एंड लॉयर्स रजिस्टर्ड, इस केस में आप जो है कंपल्सरी जो है RCM डिपॉजिट कराएंगे। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है सर्विस इम्पोर्ट। यदि आपने कुछ सर्विसेज इम्पोर्ट करी हैं, यानी कि आपने सर्विसेज किसी ऐसी कंपनी से ली हैं जो कि आउटसाइड इंडियन टेरिटरी है, जैसे कि हम मानते हैं हमने कोई सर्वर होस्टिंग स्पेस US या UK की कंपनी से लिया है, तो उस केस में भी आपको RCM जो है डिपॉजिट कराना है, डेट इज द केस ऑफ RCM। नेक्स्ट है हमारा नॉट एप्लीकेबल। यदि आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कि RCM एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ऑफिस स्टेशनरी के लिए हम RCM लेंगे बेस्ड ऑन डेली लिमिट और इस अकाउंट को अब हम सेव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे वो है हमारा ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक सोप, फिनाइल, डिटर्जेंट्स, इन पे जो भी आप एक्सपेंस करते हैं। ग्रुप एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। टैक्स कैटेगरी हमने GST 18% ली। ITC eligibility, input goods, and again this is the case of based on daily limit RCM, that is reverse charges based on daily limit for this account also. Next हमने account create किया food and beverages के लिए। tax category बताई GST 28% और ITC eligibility यहाँ पे हमने ली none. None का मतलब यहाँ पे ये है कि इस expense पे आपको ITC claim नहीं मिलेगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि food and beverages, groceries, कैब रेंटल्स या कोई क्लब या हेल्थ फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप आपने ली है, इन पे कोई भी एक्सपेंस किया है तो इस पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज बेस्ड ऑन डेली लिमिट। सेव बटन प्रेस करेंगे इस अकाउंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमने अकाउंट क्रिएट किया है टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए, मोबाइल एक्सपेंसेस के लिए। यहाँ पे भी टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18%, ITC एलिजिबिलिटी हमने ली इनपुट सर्विसेज और रिवर्स चार्ज बेस्ड ऑन डेली लिमिट। नेक्स्ट हमने अकाउंट क्रिएट किया कार सर्विसिंग एक्सपेंस के लिए। टैक्स कैटेगरी इसमें भी सर्विसेज एज टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं या कार सर्विसिंग हैं, ये आपके सर्विसेज के अंडर आएंगे। ITC एलिजिबिलिटी जो आप लेंगे इस पे वो इनपुट सर्विसेज के अंदर होगी, यानी कि इस पे आपको ITC क्लेम मिलेगा और आपको इनपुट सर्विसेज शो करना है। रिवर्स चार्ज अगेन बेस्ड ऑन डेली लिमिट।
इसके बाद नेक्स्ट हमने अकाउंट क्रिएट किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रजिस्टर्ड, यानी कि किसी रजिस्टर्ड डीलर से हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहे हैं। टैक्स कैटेगरी हम लेंगे सर्विसेज 18%, ITC एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्स चार्जेस कंपलसरी रजिस्टर्ड। आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉयर्स के केस में यदि आपने किसी रजिस्टर्ड फॉर्म से भी सर्विसेज ली हैं तो आपको RCM नेसेसरीली डिपॉजिट कराना है। इसमें कोई मिनिमम डेली लिमिट नहीं है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स एंड रजिस्टर्ड लॉयर्स के केस में आपको रिवर्स चार्ज जो सिलेक्ट करना है वो होगा कंपलसरी रजिस्टर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक अकाउंट क्रिएट किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनरजिस्टर्ड, यानी कि किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली हैं। इस केस में भी आपके टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 18%, ITC एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज और रिवर्स चार्ज आपका होगा बेस्ड ऑन डेली लिमिट। देखिए अनरजिस्टर्ड परचेजेस अनरजिस्टर्ड, लाइक अगर आपने कोई भी अनरजिस्टर्ड परचेज करी है तो आपका जो RCM है वो बेस्ड ऑन डेली लिमिट ही होगा। हालांकि यहाँ पे जब हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रजिस्टर्ड ली थी तो हमने रिवर्स चार्ज जो बताया था वो था कंपल्सरी रजिस्टर्ड। इस तरीके से अभी तक जितने भी हम एक्सपेंस के अकाउंट थे तकरीबन हमने क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनके लिए पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस पेमेंट ऐड ऑप्शन में जाके हम नया पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम 1 जुलाई को ये वाउचर एंटर कर रहे हैं। GST नेचर में देखिए आप काफी सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इस पे GST से रिलेटेड कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज अनरजिस्टर्ड RCM परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस, यानी कि कोई आपकी अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने परचेज करी है उस पे एक्सपेंस किया है या फिर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि RCM के लिए लायबल होगा उसके लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज योर रजिस्टर्ड परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस, यानी कि कोई रजिस्टर्ड एक्सपेंस आपने किया है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हमने एयरटेल का बिल पे किया है और भारतीय एयरटेल कंपनी जो है बिल पे हमारा 10 नंबर प्रिंट कर रही है जिसमें कि हम ITC क्लेम कर सकते हैं, तो दैट इज द केस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, यानी कि आपने कोई एडवांस रिसीव किया था उसके अगेंस्ट में आप रिफंड कर रहे हैं। एंड देन GST पेमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि आप कोई GST की पेमेंट जो है गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम हालांकि ज्यादा रजिस्टर्ड एक्सपेंस और अनरजिस्टर्ड RCM एक्सपेंस को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है ऑफिस स्टेशनरी का। ऑफिस स्टेशनरी जो है हमारी, हमने ये एज्यूम किया है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने परचेज करी है, तो यहाँ पे हमने GST नेचर लिया अनरजिस्टर्ड RCM परचेज एक्सपेंस और ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट को 1200 रुपीज से डेबिट किया और कैश को 1200 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड RCM परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस। नेक्स्ट हमने 1 तारीख का एक और वाउचर एंटर किया, GST नेचर हमने लिया अनरजिस्टर्ड RCM परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस। यहाँ पे हमने फूड एंड बेवरेजेस अकाउंट को 800 रुपीज से डेबिट किया है। फूड एंड बेवरेजेस के केस में आपको ध्यान हो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते, हालांकि RCM आपको डिपॉजिट कराना है क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड परचेज करी है, अनरजिस्टर्ड डीलर से जो है फूड कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन आपको ITC क्लेम इस पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगेन हमने 2 तारीख को एक वाउचर एंटर किया, यहाँ पे हमने GST नेचर लिया है नॉट एप्लीकेबल और हमने अकाउंट लिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस रेलवेज, यानी कि हमने कोई रेलवे से टिकट बुक कराई है जिसपे कि हमें RCM डिपॉजिट नहीं कराना, ये हमने एक रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है। क्योंकि रेलवेज जो है वो आपका 10 नंबर भी रेल टिकट्स पे जो आपने लिया है बिल पे प्रिंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका जो है नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन पिक्चर में आएगा। नेक्स्ट हमने 2 तारीख का एक और वाउचर एंटर किया, यहाँ पे हमने GST नेचर लिया है रजिस्टर्ड परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस, यानी कि किसी रजिस्टर्ड डीलर से हम ये परचेज कर रहे हैं। बेसिकली किसी रजिस्टर्ड डीलर को हम टेलीफोन एक्सपेंस पे कर रहे हैं जो कि हमारा 10 नंबर जो है बिल पे प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस अकाउंट को 2700 से डेबिट किया, CGST इनपुट एंड SGST इनपुट हमने 243 रुपीज बताया। वाउचर को सेव करने पर एक रजिस्टर्ड एक्सपेंस विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने पार्टी सिलेक्ट करी भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एयरटेल कंपनी का ये बिल है। बिल की डिटेल्स हमने बताई, ITC एलिजिबिलिटी हमारी इनपुट सर्विसेज होगी और ये जो आपका एडजस्टमेंट है ये GSTR2 में रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज द केस ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपेंस वेयर इन आपने एक ऐसी कंपनी को एक्सपेंस के लिए अमाउंट पे किया है जो कि आपको बिल देगी और उस पे जो है आपका 10 नंबर प्रिंट होगा। हालांकि ये आपका सिर्फ ITC क्लेम करने के लिए है कि आप इस पे ITC क्लेम कर सकते हैं, टैक्स जो है आपका ऑलरेडी बिल में इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट हमने 5 तारीख का एक और वाउचर एंटर किया जिसमें कि हमने जीएसटी नेचर लिया अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस। यहाँ पे हमने टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस को ही डेबिट किया है, हालांकि पिछले ट्रांजेक्शन में हमने जीएसटी नेचर रजिस्टर्ड एक्सपेंस लिया था इसी अकाउंट के लिए। लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल रिचार्ज कराया है 200-300 रुपीस का कैश में, तो दैट इज द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस परचेज, यानी कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मोबाइल रिचार्ज कराया है, कोई बिल नहीं है, जो टैक्स उस पे बनता है वो आपका आरसीएम के तहत आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। नेक्स्ट हमने 6 तारीख का एक वाउचर एंटर किया, यहाँ पे जीएसटी नेचर हमने लिया है अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रजिस्टर्ड अकाउंट को डेबिट किया है 6000 रुपीस से। हालांकि ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है किसी रजिस्टर्ड डीलर को हमने पे करे हैं, लेकिन हमने जो जीएसटी नेचर लिया है वो अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज लिया है। हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रेजेंटेशन में कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉयर के केसेस में जो है नेसेसरीली आपको आरसीएम डिपॉजिट कराना है यदि आपने किसी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर या लॉयर से सर्विसेज ली है। नेक्स्ट हमने एक और वाउचर एंटर किया जिसका कि जीएसटी नेचर अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज ही है। यहाँ पे हमने अकाउंट लिया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनरजिस्टर्ड। देखिए ये अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ली हैं, तो ये भी केस जो है हमारा आरसीएम एक्सपेंस के अंडर ही आएगा। तो ट्रांसपोर्टर्स के केस में बेसिकली अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड आरसीएम आपको डिपॉजिट कराना है। अनरजिस्टर्ड के केस में 5000 की मिनिमम डेली लिमिट अप्लाई होती है, लेकिन रजिस्टर्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, नेसेसरीली आपको जो है आरसीएम डिपॉजिट कराना है। इसके बाद एक और हमने वाउचर एंटर किया कार सर्विसिंग एक्सपेंस के लिए। ये भी हमारा अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस है, हमने कुछ बम्पर रिपेयर कराया है और कैश में वो हमने उसकी पेमेंट करी है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, बेसिकली किसी मैकेनिक से आपने कुछ सर्विसेज ली, तो ये भी आपका अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंस परचेज होगा। इसके बाद आप चाहें तो आप जर्नल वाउचर के थ्रू भी यही एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक जर्नल वाउचर ओपन किया जिसमें कि हमने जीएसटी नेचर बताया रजिस्टर्ड परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस। यहाँ पे हम कार सर्विसिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमने हालांकि पेमेंट वाउचर में कार सर्विसिंग एक्सपेंस के साथ अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज भी लिया था, यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने किसी बड़े सर्विस सेंटर से अपने कार की सर्विसिंग कराई है, तो 8400 रुपीस का ये आपका बिल था जिसपे 756 CGST और SGST आपने पे किया। वाउचर को सेव करने पे रजिस्टर्ड एक्सपेंस विंडो अपीयर हुई जिसमें कि आपने पार्टी सिलेक्ट करी गैलेक्सी टोयोटा, यानी कि इस सर्विस सेंटर से आपने सर्विसेज कराई हैं। जो भी आपका इनवॉइस है, बिल आपको मिला है, उसकी डिटेल्स आप एंटर करेंगे, ITC आपका इनपुट सर्विसेज हो जाएगा और अगेन ये जो एडजस्टमेंट है ये GSTR2 में रिफ्लेक्ट होगी। अभी तक हमने पेमेंट और जर्नल वाउचर की एंट्री दी। इसके अलावा आप चाहें तो परचेज वाउचर भी एंटर कर सकते हैं अनरजिस्टर्ड आरसीएम एक्सपेंसेस के लिए या फिर नॉर्मल रजिस्टर्ड एक्सपेंस के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम मास्टर एड ऑप्शन में हम गए, हमने एक सोप्स जो है आइटम क्रिएट करी, उसकी टैक्स कैटेगरी बताई, HSN कोड बताया और स्पेसिफाई परचेज अकाउंट में हमने लिया ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, यानी इस अकाउंट को हमने इस आइटम के साथ टैग कर दिया है। इसके बाद हमने एक और आइटम क्रिएट करी मॉस्किटो रेपेलेंट्स के लिए, उसका भी टैक्स कैटेगरी HSN कोड बताया एंड अगेन परचेज अकाउंट उसके साथ हमने टैग कर दिया। स्टफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट था वो हमने इस आइटम के साथ टैग कर दिया। इसके बाद हम परचेज वाउचर एंटर करेंगे, परचेज हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताएंगे, परचेज टाइप हम लेंगे LGST अनरजिस्टर्ड RCM, यानी कि ये अनरजिस्टर्ड परचेज है हमारी, हमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी है उसके लिए हम ये वाउचर एंटर कर रहे हैं। कैश का ये हमारा बिल है। यहाँ पे ITC एलिजिबिलिटी ली हमने इनपुट गुड सर्विसेज, ITC के लिए एलिजिबल है और रिवर्स चार्ज जो है बेस्ड ऑन डेली लिमिट है। 10 पीसेज ऑफ सोप एट ₹25 ईच जो है हमने परचेज करे हैं। इसके बाद एक और परचेज का वाउचर हमने एंटर किया। नॉर्मल ये हमारा लोकल GST 28% पे जो है परचेज हुई है, पार्टी बताई हमने, मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो है हमने परचेज करे हैं। तो देखिए ये नॉर्मल हमारी एक रजिस्टर्ड एक्सपेंस थी कि हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है कुछ परचेज करा है जिसमें कि हम नॉर्मल परचेज टाइप लेंगे और बिल्स एंट्रीज भी लगाएंगे। इसके बाद हम डिस्प्ले में GSTR रिपोर्ट्स में जाके GSTR 2 यदि व्यू करते हैं तो देखिए इसमें हमने जुलाई मंथ के लिए इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये रिपोर्ट जो है व्यू करी, तो देखिए स्क्रीन पे आपको डिटेल्स नजर आ गई। इसमें वो डिटेल्स आ रही हैं जो आपके रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस थे। इसमें आप देख सकते हैं आपने जो मस्किटो रेपेलेंट के लिए परचेज वाउचर एंटर किया था वो भी बिजी शो कर रहा है।
इसके अलावा आप ट्रांजैक्शंस में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज मेन्यू में चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज करके आप आरसीएम लायबिलिटी किस किस डे पे आपकी बनती है वो चेक कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में एक जर्नल वाउचर वहीं से पोस्ट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं बिजी में उनके लिए बिजी में एंट्री कर पाएंगे, अकाउंट्स क्रिएट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।